ऐसे हमने सबसे पूछा पेपर कैसा हुआ, और पता है क्यों? क्या अभी टाइम आ रहा है 1:00 समथिंग, सो मैं कर रहा हूँ पैक सामान क्योंकि हमारा है कल एग्जाम। और क्या, और जो होगा वो देखा जाएगा एग्जाम में। और हालत हो रही है खराब, नींद भी आ रही है। एक काम करते, सुबह मिलते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मुरीन और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मज़े में होंगे। हाँ जी, बहुत टाइम बाद आज पहली बार एक साल डेढ़ साल में इतनी ब्रेक लग गई कि मैंने व्लॉग कोई किया नहीं। कम से कम 5-6 दिन हुए, बहुत बिजी था और समझ ही नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो थोड़ा सा काम भी था। तो आज क्या है, आज मैं कॉलेज जा रहा हूँ। यूनिफॉर्म ब्लैक तो पता चला ही होगा। मैं कॉलेज जा रहा हूँ और आज है एग्ज़ाम, तो पता नहीं कैसा क्या होगा। आज के यही सीन है कि आज एग्ज़ाम है और हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बस कॉलेज पहुँचते ही आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो चले मिलते हैं, लेट्स गो। जी हम पहुँच गए कॉलेज और ये हो गई गुरिया, ये हो गया तचमुल साहब। तचमुल क्या हाल है आप? ठीक है? मेरे तो अच्छे हाल है, बट नींद आ रही है। नींद क्यों आ रही है, किस वजह से? रात भर पढ़ रहे थे तो नींद आई है। ओह नाइस, रात भर तचमुल पढ़ रहा था, मेहनत कर रहा था, इसलिए इसको अब नींद आ रही है। और बहुत ठंड है, बहुत बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ठंड है। गुरिया तुमने कितना पढ़ा है सच के ना? आज मैं फेल हूं, आज मैं मतलब इतना भी तो सर आजकल ही रिपोर्टिंग करने लगी है। और हमारे तजमुल साहब अनफोल्ड प्रेस, हमारे सरंडे मोटे कबाब, और वो क्या खाते हैं कबाब, उसके खा खा के सरंडा हो गई। तजमुल सिर्फ खा रहा होता है मेरे से, तुम छोटी हो। बता भाई, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका पेपर देकर? आज आपका मूड क्यों खराब है? मतलब पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ जितने मतलब पहले, जोर से बोल, मतलब जैसे जितने अच्छे पहले जो पेपर हुए ये पेपर नहीं हुआ है। ओके, दैट इज द रीजन कि ये सैड है, बिकॉज इसके जो पहले दो पेपर वाज गुड, इसने वो अच्छे किए थे, तो आज का इसका उतना खास नहीं हुआ। बट आज मेरा वाला बहुत अच्छा हुआ तो मुझे खुशी हो रही है। और पता है क्यों? क्या हो गया पहले बताओ, कैसा हुआ पेपर? यार मेरा मतलब मैं पास हो जाती आराम से। हाँ, फेल हो गई तुम पागल हो? फिर ठीक है, फेल हो गई? नहीं, फेल मुझे होना नहीं था यार। पता है क्या हुआ? हाँ। मैंने पेपर दिया, मैं निकलने वाली थी। आयमन ने बोला तीसरे का क्या है, मैंने बोला सी, मैंने बोला ए, सर ने मेरा रोल नंबर दिया। तेरा क्या हो गया? मेरा बेस्ट हुआ, मेरा भी बेस्ट हो गया। ए ब्रो, पढ़ रहे थे रात रात में। हां ये हम लोग उजरा, तेरा कैसा हुआ वे? अच्छा पेपर कैसा हुआ, बोल रहे अच्छा हुआ, मेरा भी बहुत अच्छा हुआ। तो अभी हम तजमुल से भी पूछते हैं कैसा हुआ। बहुत सस्ता पेपर था, अच्छा हुआ, 20 मार्क से ज्यादा किए, बस अच्छा पेपर हुआ, पास हो जाएगा सर। तो इसी तरह अच्छे यूथ वीडियो इंस्टाग्राम स्पॉट खोल मत, चेकआउट कीजिए हमारा इंस्टाग्राम, वहाँ पे आपको मिल सकता है। ये प्रमोशन के लिए था, नथिंग एल्स, उन्होंने पहले ही बोल के रखा। अरे झूठ। हाँ, कुछ शायरी, कोई शायरी, 2-3 लाइन आज अभी जल्दी। कहते हैं कि इतने कश्मीरी में पहले थोड़ा सा बात करते थे, मुझे नहीं याद। अच्छा चल, अच्छा अच्छा चल, बोलते हैं कि इतने बुरे तो न थे हम जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। क्या बस कुछ मुकद्दर बुरे थे, कुछ आग लगाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। इसी बहाने आप लोग भी लाइक कीजिए, ठीक है? तो जी अभी हम गाड़ी में निकल रहे हैं, आज तजमुल के साथ हम सोपोर तक जाएंगे। सोपोर में हम सोमो में चढ़ेंगे, है ना? यस भाई, और तजमुल, सो तजमुल ने अपनी गाड़ी बहुत साफ अभी हम उतरे गाड़ी से नीचे, तो कुछ लाते हैं, तो लेट्स गो। यहाँ तो कुछ नहीं है खाने के लिए, चिप्स कहाँ से? वल क्रैक झक हम, इधर कुछ नहीं है ब्रो, चल खट ले मोड़। क्या लिया तुमने? देखो
मैं बहुत सारे, मतलब यहाँ तक होंगे बाल, और फिर मैं पतला हो जाऊंगा ना जब जिम जा रहा हूँ। जिम जा रहा है ब्रो, बस रात में थोड़ा डिप्रेस हो जाता हूँ, पुराने ख्याल आते हैं मुझे तो, ओ, तो इससे इसको बेचारे को डिप्रेशन पिछले 10 सालों से है, और उरिया को भी 10 सालों से है, अभी 20 सालों से मैं, मेरा डिप्रेशन खाली मूवी तक होता है, बाकी आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। आराम से चल, आराम से चल। तो आज जिंदगी में पहली बार हम जा रहे हैं सोपोर, ताजमल ने बोला वहीं पर गाड़ी में चढ़ जाओगे, तो आज हम देखेंगे सोपोर कैसा है। अब तू थोड़ा सा तेज चल ताकि हम जल्दी जल्दी पहुंचे, फिर वो घर भी वापस जाना है। अभी ये बज रहे 12:30, तो अभी हम ताजमल साहब के साथ कुरत कॉल कर रही है। तो आज पहली बार हम सोपोर देखेंगे कैसा है, मुझे बचपन से शौक था सोपोर देखना, सोपोर सोपोर, तो आज हम सोपोर देखेंगे। मैं घर पे बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है ठीक है, करती हूँ घर जाके। ठीक है, यही है सोपोर, पहुंच गए रेलवे स्टेशन अमरगढ़, यही है। ठीक है अमरगढ़, अब हम बादाम बाग की तरफ पहुंचे, और ये ताजमहल की फेवरेट प्लेस है, और ये सोपोर की फेवरेट प्लेस हो गई ताजमहल साहब की। यहाँ मैं सबसे ज्यादा आया करता था एक जमाने में। अभी और कौन सी जगह है आगे? आगे आगे हम सोपोर कॉलेज के पास पहुंचेंगे, वहाँ पे आपको गाड़ी भी मिलेगी। ओके, और उसके बाद मेरे साथ भी आ सकते हो अगर बोलो। यार थैंक यू ब्रो, तुम हम आ सकते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे शाम के वक्त अच्छा फास्ट फूड मिलता है। आया करता था यहाँ अभी भी, इसीलिए यहाँ इन जगहों पे आता है, क्योंकि यहाँ मुझे सुकून मिलता है, अच्छी जगह है। तो जी ये हो गया यहाँ से सोपोर कॉलेज, जरा चल। तो ये हो गया सोपोर कॉलेज का गेट, सही। अंदर चले पागल हो, यहाँ बहुत सारे है, बारामूला से यहाँ पे बहुत ज्यादा। ये तूने क्यों नहीं फिर यहीं पर एडमिशन किया? क्योंकि हमारे यहाँ पे मीडिया डिपार्टमेंट नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं सोपोर कॉलेज में भी मीडिया डिपार्टमेंट आए, और जो हमारे फिर मेरी जनरेशन होगी वो तो मीडिया में ही आएंगे, उनको तो आना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आएंगे वो भी फिल्म मेकर पैदा होगा। सही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये है जी। यहाँ पे भी गाड़ी, ये जी है टांगा, ये हो गया सोपोर का मार्केट है ना, इकबाल मार्केट ये मेन मार्केट है। हाँ, इकबाल मार्केट, यहाँ ये है बॉयज हायर सेकेंडरी, ये हो गया बॉयज हायर सेकेंडरी सोपोर, और ये है टांगा, कहाँ है? हाँ ये है जी टांगा, आपको दिख रहा होगा बहुत खूबसूरत, और ये सोपोर का मार्केट बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। इन यहाँ का रेस्टोरेंट है बहुत जबरदस्त लग रहा है, स्नूकर वगैरह भी है। मुझे लगता है सोपोर के हर पॉइंट पे रेस्टोरेंट है, 0 miles है, 10 tables है, मंत सलवा है, तो यहाँ बहुत लोग खाते पीते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट, तो इसलिए आपको पता चल ही रहा होगा ताजमहल का साइज देखकर, पतला हो रहा है, पहले बहुत स्मार्ट था ब्लॉग्स में। ये मार्केट है, अब कहाँ जा रहे हैं? अब हम तो सोपोर के रास्ते, छोटे छोटे रास्ते बहुत अच्छे लग रहे हैं, और बहुत सारी शॉप्स है, स्ट्रीट फूड्स है, और कपड़े है ऐसे, बहुत सही। और यहाँ पे जी है हमारा, क्या हमारा नहीं, ताजमहल साहब का घंटाघर, क्लॉक टावर। तो जी हम पहुंच गए घर, और ओह ओह थक गए बहुत। हेलो बॉब, आज कम, अभी बज रहे हैं 5:30, 6 बजने वाले हैं, और अब मैं नींद से उठा, बहुत सही नींद थी, मजा आ गया सोने में। और आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस व्लॉग में बहुत मजा आया होगा, अगर मजा आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और 10K जल्दी से जल्दी करा दो, क्योंकि हमें पार्टी करनी है। ठीक है, आज का व्लॉग जो था यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर कहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।